हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट पेपर 2022 कोड है बच्चों T6। ठीक, तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52। क्या क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों कभी भी अगर नॉट, इनकरेक्ट, रॉन्ग ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, अपने को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं? तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड की क्या स्पेशलिटी होती है बच्चों, तो सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, इट शुड बी, क्या लिखते हैं बच्चों, इट शुड बी साइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले क्या है, साइक्लिक, सभी साइक्लिक। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बच्चों, इट शुड बी प्लेनर, आयन बच्चों, इट शुड बी प्लेनर। क्यों प्लेनेटिक की जरूरत होती है बच्चों, फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, इट शुड बी कॉन्जुगेटेड। और लास्ट में लिख देते हैं बच्चों कि इट शुड फॉलो हकल्स रूल, दैट मीन्स फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन होती है, ये कंडीशन होती है किसके लिए, एरोमेटिकली। अब अपन इसी सीक्वेंस में लिखते हैं, सबसे पहले साइक्लिक, पोलर साइक्लिक, प्लेनर। प्लेनर का मतलब बच्चों जो भी कार्बन है उनका हाइब्रिडेशन कभी भी sp3 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखो बच्चों, ये कंपाउंड आपका साइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, सब कुछ है। यहां पे भी सेम ऐसा ही, यहां पे बच्चे एक प्लस है ना बच्चों, ये टाइप नहीं है, मिसप्रिंट है। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। यहां आप देखें तो इस नीचे वाले कार्बन को देखो, यहां इस कार्बन का हाइब्रिडेशन इज sp3। sp3 का मतलब ये क्या हो गया बच्चों, इट इज नॉन प्लेनर। कैसा हो गया बच्चों, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब ये जो कंपाउंड है बच्चों नॉट कुछ है इनमें से, सो इट इज नॉट एरोमेटिक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है ना बच्चों, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड भी कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, साइक्लिक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक, तो ये भी आपका एरोमेटिक होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना बेसिकली चैप्टर क्लास 12 कार्बोक्सिलिक एसिड जो पार्ट है उसका है। क्या बच्चों यहां पे RMJS की रिएक्शन CO2 के साथ में करा, देन इट फॉर्म्स कंपाउंड Y एंड दैट अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड। सो यहां पे क्या पूछा गया बच्चों, व्हाट इज Y, कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखो साहब, CO2 को कैसे लिखना है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्लियर, प्लस RMJS लिखा है RMGX, सो मेटल विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज नेगेटिव, मीन सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे अगर चेक करें तो बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, यहां माइनस यहां प्लस, कैसा जाएगा बच्चे, हम ऐसा लिख सकते हैं सोचो, ओ डबल बॉन्ड सी ओ एम जी एक्स, और यहां क्या लगा देंगे बच्चों आर, बेसिकली ये क्या होगा बच्चों, यू आर पार्ट माइनस और ये वाला पार्ट प्लस। इसमें कुछ फॉर्म में लिखा है बच्चों, आप देखो RCO माइनस MG प्लस X, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, राइट क्वेश्चन था, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरिन। तो डाइबोरिन के बारे में अपने को पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो बिटू से ऐसे एग्जिस्ट करते क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पे अगर अपन देखें बच्चों, ये जो डॉटेड बॉन्ड है बच्चों, क्योंकि जब अपन हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो अपन बहुत यूनिक लाइन बोलते हैं बच्चों, इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ना, किसी ने देखा नहीं ऐसा, तो ये क्या आपका हाइपोथेटिकल। तो यहां पे अगर अपन देखें तो एक बोरोन के कितने बॉन्ड है बच्चों, 4। हाँ, डॉटेड बॉन्ड को भी काउंट करना है, बस बच्चे ने ये गलती थी, तो पूछा नॉट, पूछा नॉट करेक्ट, इसका भी आंसर होगा sp। ठीक, तो यहां पे अपन देखो बच्चों, अगर देखें जो ऑप्शन 3 आपका, बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों। अब यहां पे जो नॉर्मल बॉन्ड होता है बच्चों उसको अपन क्या बोलते हैं,
टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना। और ये जो बॉन्ड है बच्चों आपका ये यहाँ जो ऊपर आपको जो दिख रहा है मतलब बी एच और वापिस बी, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, अब देखो बच्चों क्या लिखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट द फोर टर्मिनल बी एच बॉन्ड आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब इनकी बात करें बच्चों वन टू थ्री फोर, यस नॉर्मल बॉन्ड है इसका मतलब टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द टू बोरोन एटम्स लाइन वन पेन, बिल्कुल सही बात है। ठीक, एक ही पेन में सर ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों ये वाला पार्ट ये हो गया ये ऐसा रहेगा बच्चों एक पेन में नहीं रहेगा। ठीक, थर्ड और रॉन्ग है। फोर्थ देर आर टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये जो ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों जो इसके पेन के ऊपर में जो इसको अपन और क्या बोलते हैं बच्चों बनाना बॉन्ड। ठीक है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो एक ऊपर है और एक नीचे है बच्चों, इनको अपन क्या बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अगर यहाँ पे देखें तो एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में हो रहा है बच्चों थ्री एटम, कौन कौन से बोरॉन हाइड्रोजन एंड अगेन बोरॉन। ठीक है, इसलिए इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और वी कैन से बनाना बॉन्ड। क्लियर, डायग्राम मिलेगा आपको पीपीटी ऑफ उसके नीचे लिखा हुआ साथ साथ। ठीक, बच्चे का कंफ्यूजन ये होता है बच्चों कि इस डॉटेड बॉन्ड को मैं काउंट करूं या ना करूं, तो काउंट करना है बच्चों। ठीक, स्टार्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन है बच्चों अपना डीएनएफ ब्लॉक। ठीक है, तो डीएनएफ ब्लॉक की अगर अपन पढ़ते हैं तो बच्चों वहां पे साफ साफ लिखा है कि इसकी जो लो वैल्यू होती है थर्ड आयनाइजेशन दैट इज बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी। किसकी वजह से होती है बच्चों? जो एक्सचेंज एनर्जी रहती है बच्चों एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए अपने को उसको अपन क्या बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एलिमेंट अपने प्लस वन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं प्लस टू कुछ प्लस थ्री, तो बेसिकली ये जो लाइन लिखी है बच्चों ये है अपनी किसके लिए एम प्लस थ्री आयन के लिए। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में सर लिखा हुआ बच्चों कि ये जो लो होती है आपकी थर्ड आईपी इट इज बिकॉज ऑफ लो सॉरी इट इज बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से। ठीक है, एक्शन एनर्जी भी बोलते हैं जिसको अपन। नेक्स्ट बच्चों क्या बोला है कुछ अपने क्वेश्चन नंबर 57 फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक का एक्चुअली गिवन ब्लॉक टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली की बात चल रही है इंक्रीज इन द ऑर्डर H2O H2S H2S H2T ये बिल्कुल गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चों जो वाटर होता है बच्चों इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है बच्चों वाटर के क्या होता है मैक्सिमम होता है। उसके बाद H2 मास से देखते हैं H2TE देन H2SE और सबसे कम H2S H2S का कम होना भी चाहिए बच्चों बिकॉज इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक, और ये लिक्विड है इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में अपने क्या किया बच्चों ये गलत है रोल कर देते स्टेटमेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। ठीक है, तो बोला बच्चों राउंड द ग्रुप क्या है आपका ये इंक्रीज होना चाहिए ये भी गलत है बच्चों क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आंसर क्या आ रहा है उल्टा मतलब दोनों जो आपके स्टेटमेंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास ये भी क्या हुआ रॉन्ग मींस बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। इस ऑप्शन कौन सा है बच्चों बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट सो करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है ना बच्चों में इस बार काफी सारे क्वेश्चन आए बच्चों स्टेटमेंट के ऊपर आगे तक बच्चों। नेक्स्ट द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिल्कुल सर कैसे बच्चों देखो ये फिनॉल है एक अपने फिनॉल के ऊपर लगा दिया बच्चों एनओ। ठीक है ना और तो सब चीजों बोला दिस इज नॉट मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल ये बोला बच्चों ऑर्थो हो मेटा हो या पैरा कोई फर्क नहीं मतलब फिनोल के एसिडिटी इससे कम होगी बिल्कुल सही बात है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो NO2 ग्रुप है बच्चों आपका कैसा है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये कैसा है बच्चों इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होता है बच्चों हमेशा एसिडिक स्टेट इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है बच्चों बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बच्चों इट स्टेबिलाइज दिस फिनोक्साइड आयन यहां से H+ निकालने के बाद जो आयन बनेगा उसको ये क्या कर देता है बच्चों स्टेबलाइज कर देता है। ठीक क्या लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनोल इज हायर देन फिनोल ये तो करेक्ट है बच्चों
नाइट्रो वाले का करेक्ट। आगे देखो छोड़ो, सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फिनोलिक रिंग। ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि तीन में वैल्यू कभी भी सेम नहीं आती। वैल्यू सेम बच्चों एक जगह पे आती है जब आप OH के साथ में क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, मिथाइल ग्रुप, तो वो जरूर एक केस है जहां पे क्या बोलते हैं जो डाई सब्स्टिट्यूट फिनॉल है, ठीक, उसमें भी ऑर्थो मेटा पैरा नहीं, लेकिन दो की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है बच्चों, सेम आती है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट, ये गलत है, मतलब स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो तो करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन देखें, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट, ये नहीं हो सकता। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो सेकंड आंसर होगा, ठीक है। चलो डायरेक्ट एनसीईआरटी के बच्चों वैल्यूज दे रखी है आपको उसकी। हाँ नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 59 ना, प्योरिफिकेशन वाला चैप्टर जो है बच्चों वहां से दिए, जनरल मेथड, द जनरल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से किसके लिए आप यूज करो। तो ध्यान रखना बच्चों ये जनरल मेथड किसके लिए नहीं लगाते, पहली चीज If nitrogen is present in ring, वो ये टेस्ट कभी भी नहीं देगी। दूसरा डाई एजो कंपाउंड, किसके लिए बच्चों, डाई एजो कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देते। और तीसरा NO2 ग्रुप ये टेस्ट नहीं देते, जो तीन है कौन कौन से बच्चों, If nitrogen is present in the ring, second डाई एजो कंपाउंड मतलब बच्चों ऐसा होता है N डबल बॉन्ड है, पढ़ा था अपने कपलिंग रिएक्शन में N डबल बॉन्ड है, और थर्ड वाला है नाइट्रो ग्रुप। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। ये डाइएजो है ये भी नहीं देगा, NO2 ये भी नहीं देगा, मिस राइट आंसर इज सेकंड एनीली, समझ में आया। चलो आगे नेक्स्ट है बच्चों, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये आया बच्चों अपने चैप्टर बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, टैंक एग्जांपल देखो बच्चों। सबसे पहले एंटासिड, तो एंटासिड का अगर अपन एग्जांपल देखें बच्चों, तो ए का एंटासिड होगा बच्चों अपना थ्री, ए का थ्री, ए का थ्री इसमें किसने दिए, ए का थ्री मतलब या तो फर्स्ट है आंसर या फिर फोर्थ है, खत्म, मतलब ये रॉन्ग खत्म। सेकंड देखते हैं एंटीहिस्टामिनिक, है ना, एंटी हिस्टामिनिक और एनाल्जेसिक। अब देखो बच्चों अगर आपको मान लो इसमें कंफ्यूजन हो एंटीहिस्टामिनिक, तो वैसे सही है ना, लेकिन अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो जो ऑप्शन सी है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक आप देखो मॉर्फिन एनाल्जेसिक होता है, मतलब सी का होना चाहिए अपना टू, सी का क्या होना चाहिए टू, सी का टू किसमें दिए, या तो ये तो दो है सी का टू, तो सी का टू बच्चों देखो यहाँ पे दिए, यहाँ सी का फोर दिया सी का टू, मतलब आंसर क्या हो गया अपना फर्स्ट। कैसे देख लेते हैं, ए का थ्री एंटासिड का मतलब सिमेटेरिन, ठीक है, ऑप्शन बी है एंटीसेमिक मतलब फोर्थ, सेलेन बोला था ना, ठीक, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, सी का सेकंड मतलब मॉर्फिन एनाल्जेसिक, नार्कोटिक में पढ़ा था बच्चों अपने, और ऑप्शन डी एंटी माइक्रोबियल्स, ये आपका सेल्वार्सन, बीच में दिया है बच्चों अपने सेल्वार्सन, जो एंटीबायोटिक की स्टोरी लिख हुई है ना, आर्सेनिक बेस्ड ड्रग आर्स फेनोमेन उसके आगे लिखा हुआ है सेल्वार्सन, ठीक है, ये बड़ा एक एनसीईआरटी। आगे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, तो यहां पे देखो बच्चों सबसे पहले क्या बनाना है आपने को, कंपाउंड बनाना है बच्चों क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। आगे देखो पहले से लिखा है फिनॉल NaNO2HCl और COCl, ये वैसे ही गलत हो गया बच्चों, क्यों, क्योंकि फिनॉल की जगह पे यहां पे क्या होना चाहिए था बच्चों एनिलीन, तब बनता, तो ये आपका रॉन्ग। सेकंड एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन रिएजेंट मिसप्रिंट है, चेक कर लेते हैं क्या दी, एनिलीन की रिएक्शन HCl और हीटिंग लिखा है, एनिलीन में क्या लिखा है HCl प्लस हीटिंग, पटाउट बनाने के चक्कर में कई बार मिस्टेक हो जाती है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक जो भी है उनकी भी मेहनत है कोई नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया बच्चों हीटिंग के साथ, बेंजीन के एचसीएल के साथ कमी भी रिएक्शन होती है, मतलब आंसर क्या होगा बच्चों ऑर्डर टर्म्स फोर, क्या है बच्चों बेंजीन क्लोरीन एनहाइड्रस एफिशिएंसी, यस ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाते भी है बच्चों, बेंजीन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन प्लस लुईस एसिड FeCl3 क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट वापस स्टेटमेंट को ज्यादा ही फेवरेट है स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायज़ोनियम सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है। एलिफेटिक अमाइन के अंदर में क्या होता है, सपोज RNH2 है, इनका सबसे पहले जब आप HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, HNO2 का मतलब होता है वही NaNO2 + HCl, तो क्या बनेगा चाहिए आपका R N2 + Cl - ठीक है, ये अनस्टेबल होता है बच्चों जो डायरेक्टली हाइड्रोलाइज होकर क्या दे देते हैं आपका ROH, तो पहला हाँ बिल्कुल अनस्टेबल होता है, ये तो आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डायज़ोनियम सॉल्ट, समझो बच्चों HNO2 का मतलब वही है अपना NaNO2 + HCl, ठीक, व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 के, गलत, जब आप ये रिएक्शन कराते हो बच्चों अगर आपको याद हो तो आपने जब एनिलीन से ये बनाया था कंपाउंड क्या N2 + Cl - मतलब तो वही BDC बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, तो आपको यहां पे टेंपरेचर पे स्टार लगाया जाता है 0-5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लोअर टेंपरेचर पे ही स्टेबल होता है, सही है ना, देखो वापस पढ़ते हैं व्हिच आर स्टेबल इवन अबव, पॉसिबिलिटी नहीं है कि 300 के ऊपर ये क्या हो स्टेबल, मतलब फर्स्ट करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है, तो पहला हो नहीं सकता है सेकंड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, हां करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो एरोमेटिक वाले जो बनते हैं एनिलीन वाले जो BDC अपन बनाते हैं दे आर स्टेबल एट लोअर टेंपरेचर, ध्यान रखेंगे ठीक। आगे बात करते हैं 70 आया बच्चों अपना चैप्टर पॉलीमर, देखो माइनर टॉपिक से भी उठाए, देखो सब क्या है क्वेश्चन 70 व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, बच्चों वापस अंडरलाइन, फाइबर पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके वजह से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, सॉफ्टनिंग होते हैं हीटिंग पे, हार्डनिंग कूलिंग, ठीक है ये भी बराबर है ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल, थर्मोसेटिंग को यूज अपन नहीं कर सकते, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनको तो यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि थर्मोसेटिंग में जो अगर एक बार आपने हीट मतलब कूल किया है ना, हार्ड हो गए, उसके बाद आप उनको वापस क्या नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते, आंसर क्या होगा अपना बच्चों को 3 लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इलास्टोमर है पॉलीमरिक चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बिल्कुल सही बात है, तभी तो उनके अंदर में क्या होगा इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो नॉट पूछा था इसलिए अपना आंसर क्या लगा, तो दे आर रीयूजेबल, इनको कभी भी अपन रीयूज नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते ठीक। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 द इनकरेक्ट, देखो शानदार चीजें देखो, करेक्ट रॉन्ग इनकरेक्ट वाले ज्यादा पूछे इस बार, हर बार करेक्ट पूछ सकते ठीक। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हैलोजन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइड शोज इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल बच्चों को पढ़ते हैं, बैक साइड से अटैक होता है, यहां पे क्या होता है बच्चों इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, पढ़ते हैं बच्चों इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ठीक है, ये तो बराबर है, अपने से इनकरेक्ट पूछा है। सेकंड एनेंशियोमर आर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, गलत, दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होता है, यही से आंसर आएगा, ये होंगे फिर भी देख लेते हैं, NSM मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये तो बराबर ठीक, इक्वल मोलर मिक्सचर होता है, मिक्स करते हैं क्या होता है बच्चों जितना डेक्स हो उतना लीवो, एक दूसरे के रोटेशन को क्या कर देते हैं नलीफाई ठीक। SN1 रिएक्शन यील्ड वन वन मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंशियोमर, बिल्कुल बच्चों SN1 के अंदर में हमेशा क्या बनता है एनेंशियोमर बनते हैं, और आप में से आधे लोग बोलेंगे सर रसायन मिक्सचर पढ़ा है, वो इसलिए बच्चों की SN1 रिएक्शन में मान के चलते हैं बच्चों कि जो 50% अटैक हुआ वो कहां से हुआ है, ऊपर के साइड से और 50% नीचे के साइड से, तभी अपन क्या लिखते हैं रसायन मिक्सचर। लेकिन अगर मान लो एनेंशियोमर दिया तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एनेंशियोमर, ठीक है फॉर्मेशन ऑफ
एनएचएम, क्यों? क्योंकि कोई जरूरत थोड़ी है बच्चों की 50-50% बने, 70-30 भी तो बन सकता है, डिपेंड करता है अटैक किस फॉर्मेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो बच्चों? सेकेंड आंसर होगा इसका, ठीक। चलो नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज, एंजाइम के बारे में पूछा बच्चों, बायोलॉजिकल चैप्टर, लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अच्छा वापस इनकरेक्ट पूछा, वापस अंडरलाइन करो, एंजाइम आप पॉलीसेकेराइड, गलत है बच्चों, एंजाइम कभी भी पॉलीसेकेराइड नहीं होते, एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड आंसर क्या हुआ? करेक्ट, फिर अपन सॉरी इनकरेक्ट, और यहां करेक्ट लेकिन पूछा इसने क्या, इनकरेक्ट, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल बच्चों दे आर स्पेसिफिक, ऐसा पढ़ते हैं। लास्ट, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल होते ही बच्चों, मैं तो कलम आया बच्चों चेक करते हैं, सबसे पहले दिया है साइनोहाइड्रिन, तो साइनोहाइड्रिन बच्चों बनता है अपना जब एल्गेट कीटोन की रिएक्शन होती है HCN के साथ, HCN मतलब A का होना चाहिए, A का होना चाहिए 4, A का 4 देखें तो A का 4 एक ही मिली है ना, A का 4 में B का देते हैं एसिटाइल, एसिटाइल अल्कोहल, हाँ B का 3, ठीक है। शिफ्ट बेस, शिफ्ट बेस बनता है बच्चों जब एल्गेट कीटोन किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी अमाइन, तो सी का होना चाहिए सेकेंड, सी का सेकेंड, यस सी का सेकेंड। डी ऑक्साइड, ऑक्साइड का बनता है व्हेन एल्गेट कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, लाइक एक ही ऑप्शन है बच्चों 1 का 4 सी से आ गया, ठीक है। थर्ड आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्गेट एंड कीटोन आर हायर देन hydrocarbons of comparable molecular mass, बिल्कुल बच्चों ऐसा होता है, because of weak molecular association in aldehyde and ketone due to dipole-dipole interaction। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों को बड़ा confuse होता है ना, इस question में काफी बच्चों को confuse होता है, wrong भी हुआ। अब आप समझो बच्चों, जो first statement लिखा हुआ तो correct लिखा है, बच्चों को doubt आता है second वाले, because of weak molecular association of aldehyde and ketone due to dipole-dipole interaction। अब समझना बच्चों, dipole-dipole जो आपका interaction है बच्चों, वो सबसे वीकेस्ट टाइप का इंटरेक्शन है बच्चों, है ना। अब ये मत सोच देना कि क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में इनका जो एसोसिएशन है, अब बोलोगे सर एल्डिहाइड कीटोन तो पोलर होता है तो ये जो अट्रैक्शन है तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बच्चों इसकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, वो क्या है बच्चों? वीक फोर्स की है, ध्यान रखना गलत हुआ था, इसलिए ये आपके क्या है, ये करेक्ट है बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, अल्कोहल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना बच्चों, OH बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है आपका? यार पोलर और OH क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, तो जब भी FON के साथ H आए तो दिमाग में क्या आना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों आपका? करेक्ट। सबसे ज्यादा लोगों का क्वेश्चन गलत बात होना चाहिए, ठीक। इस आंसर क्या बच्चों इसका? बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आधे बच्चों ने इसका आंसर लगाया बच्चों, ये जो फर्स्ट वाला है ये इनकरेक्ट, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वापस मैं बता रहा हूं कि ये जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसकी कैटेगरी क्या है बच्चों? अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो तो वहां पे साफ साफ लिखा है बच्चों कि ये वीक फोर्स है बच्चों, तो इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है बच्चों? वीक फोर्स, है ना, या कंपैरिजन करते हुए नहीं बोलना, इसकी कैटेगरी के रेस्पेक्ट में लिखा है। चलो नेक्स्ट बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मड, अंडरलाइन, व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2 पेंटेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। बच्चों बेसिकली ये एल्डोल का क्वेश्चन, कैसे पता चला बच्चों एल्डोल? क्योंकि जो आपके दोनों कंपाउंड है, एक तो एसीटोन, दूसरा क्या बच्चों? 2 पेंटेनॉन, ठीक है। दोनों के पास में क्या है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो डायरेक्ट बच्चों इस केस में क्या करना है आपको, ठीक है, क्या नहीं बनता है ना, किससे नहीं बनेगा? अब यहां पर देखो बच्चों, आप लोग सबसे बेस्ट जो तरीका है, हमेशा क्या करो, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड को क्या करो? ब्रेक। अब एक तरफ जोड़ो ओ और एक तरफ जोड़ो एच टू, क्या जोड़ दो बच्चों? एक तरफ O और एक तरफ क्या जोड़ दो H2, तो क्या बनेगा बच्चों? देखो आपको
ये बनेगा आपका CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3 इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का फिर क्या बना नीचे वाला देखो CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ है ना CH2 CH3 मतलब ये जो इसने कंपाउंड बनाया बच्चों किसका बनाया है इसने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कौन सा कंपाउंड होगा पेंटेन 3 ऑन ये आंसर है बच्चों ठीक है ना तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड तोड़ के क्या करना है बच्चों एक तरफ वो एक तरफ H2 अपने आप अपना आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चन के लिए अब आप लोग सॉल्व करने बैठते हो सर सिंपल बनेगा क्रॉस बनेगा इसका अटैक उसको बहुत टाइम लग जाता है ये डायरेक्ट इसका ट्रिक है याद रखें ठीक है चलो नेक्स्ट द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 90 सबसे पहले ये साइनाइड है बच्चों है ना बेंजीन को अपन 5 लिख सकते हैं ये साइनाइड साइनाइड का क्या है LiAlH4 वाटर मतलब रिडक्शन क्या बन जाएगा फिर बेंजीन CH2 NH2 अमाइन बन गया बच्चों फिर NaNO2 प्लस HCl क्या करेगा बच्चों NaNO2 प्लस HCl बेंजीन CH2 N2 प्लस CL माइनस क्लियर है फिर क्या करते हैं बच्चों अपने इसका हाइड्रोलिसिस तो निकल जाएगा यहां से बच्चों क्या बन जाएगा बेंजीन CH2 वैसे बहुत अच्छा है पे प्लस तो यहां से OH अटैक कर देगा तो OH लगा देगा मतलब खत्म क्वेश्चन टैग रिएक्शन स्टेटमेंट देखो बच्चों आप इसको ज्यादा ही फ्रेंडली गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ठीक है स्टेटमेंट वन इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड FiCl एंड ZnCl2 अच्छा ये FiCl नहीं ये HCl है अच्छा क्या है ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा HCl है अच्छा ये FiCl क्या है HCl एंड ZnCl2 तो ये तो बराबर है अच्छा लुकास टेस्ट के बेसिस पे की जाती है ठीक है आगे प्राइमरी एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस ग्लास रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है बच्चों 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो ये आपका रॉन्ग है पहला करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट एक मिनट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट नेक्स्ट है बच्चों एक कंपाउंड दिया बच्चों इसका बताना अपने को आईपीएस नेम याद है देखो बच्चों इसको अपन ऐसे लिखते हैं CH3 CH CL CH CH3 CH OH CH2 CH2 BR ना तो यहाँ पे देखो बच्चों सब कभी भी आपको कंपाउंड दे दिया जाए बच्चों आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है बच्चों फंक्शनल ग्रुप की देन डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड देन सब्स्टिट्यूट ठीक तो यार सबसे पहले अच्छा फंक्शनल ग्रुप किसको मानना है बच्चों अपने को एज अ टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर जिसका भी सफिक्स लगा दें तो यार कौन सा होगा बच्चों आपका एल्कोहल होगा तो लंबेस्ट तो अपनी ये ले लिया बच्चों अब नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें देखो बच्चों तो 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजिशन पे 1 2 3 4 यहाँ से 4 पे तो ये हो गया बच्चों आपको 1 2 3 4 5 6 मतलब ये है तो हेक्सेनॉल जैसे सभी में हेक्सेनॉल नहीं कोई दिक्कत नहीं हेक्सेन थ्री ऑल दिखा रहा हूँ हेक्सेन थ्री ऑल दो ऑप्शन मतलब ये कट और ये कट है ना अब बच्चों जो भी अपने सब क्या बोलते हैं सब्सिक्वेंट है उनको लिखना हमेशा अल्फाबेटिकली तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे अपन देन क्लोरो देन मिथाइल तो वन ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 और ये रहा जो फोर्थ आंसर खत्म क्वेश्चन नेक्स्ट देखो बच्चों कंपाउंड एक्स रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय ZnO रिड्यूस फॉर्मेलडिहाइड देखो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है ये बोल रहा है ना ओजोनोलिसिस को पता है क्या दे रहा है कंपाउंड की दो इधर एन फॉर्मेलिटी एन एन बच्चे इसके पीछे छुप गया है बच्चे कर लेते हैं कौन सा कंपाउंड है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 98
टू मिथाइल प्रोप, हाँ टू मिथाइल प्रोपेनॉल लिखा है, ये टू लिखा है यहाँ पे, क्या आएगा बच्चों, ये आपका टू मिथाइल प्रोपेनॉल का मतलब ये होगा बच्चों, देखो आप लोग, टू मिथाइल प्रोपेनॉल, एक बार बच्चों, ये ना बच्चों 1, 2 और 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन करना बच्चों, जब भी आपको कंपाउंड दिए हो आपको क्या करना है बच्चों, जो डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन उनको हटा दो और जो भी ये कार्बन इन कार्बन का के बीच बॉन्ड बना दो, कैसा बच्चों देखो, ये तो हो गया आपका CH2, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को बच्चों इस वाले डबल बॉन्ड से अपने को अटैच करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा देना, तो क्या बचा बचा आपके लिए CH, CH के पास वापस CH, CH के नीचे CH3 और CH3, so 1, 2, 3, 4, ये होगा कंपाउंड, क्या है बच्चों आपका 3-methyl-but-1-ene, so 3-methyl-but-1-ene, 4 का आंसर हो गया बच्चों, ठीक, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ये कहां से पूछा है, द पोजीशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट NH ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है क्या क्या हो सकता है बच्चों, ये एनोमेट्रिक केमिस्ट्री का है 11th का लास्ट चैप्टर, द पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट एनहांस, किस वजह से एनहांस हो सकता है, तो देखो यहाँ पे तीन चीज होती है, एक होता है पर्टिकुलर मेटल की वजह से, साफ साफ लिखा है इंसाइडियन में, एक है आपका ओजोन और एक है H2O2, हाइड्रोजन ऑक्साइड की वजह से नहीं होता, तो आंसर होगा बच्चों अपना A, B and D, ए बी डी, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, आंसर 1, ठीक बच्चों, तो थोड़ा जल्दीबाजी में बनाए हैं, ठीक, तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है बच्चों, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, हमारी पूरी टीम ने कोशिश की है बनाने की, ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा, थैंक यू।